पढ़न। हुन खिताब चूंकि लंबा नहीं करूंगा, 10-15 मिनट में पढ़ूंगा। अल्लाह फरमांदा है वाकई ये मिन नबीयिन कातला माहु रिब्बियून, वली हुंदा ही होवे जेड़ा नबी दी इज्जत ले लड़े। वली होता ही वो है जेड़ा नबी दी, इहदा मतलब है खानेवाल वालो जिथे भी नबी दी इज्जत दा मुआमला आ जाए, जेड़ा सीना तान के बाहर आ जाए ओ ही ते वली है भाई, वो ही तो वली है। अच्छा हुन मैं एक जुमला कहन लगा, देखे मेरा किसी जमात से तल्लक नहीं, मेरा फकीरों की जमात से तल्लक है। हुन मैं एक जुमला अर्ज करन लगा, कल की नबियों की इज्जतों के लिए जो लड़ते रहे वो कल के वली थे, इस सदी में जो नबी की इज्जत के लिए लड़ा खादम हुसैन रजवी आज का वली है। भाई जो नौकर है नबी का वो तो सुभान अल्लाह कहो। अच्छा चलो लब्बाई, इसका मतलब है जीते रहे इस, बस अब बस आधा खिताब हो गया, आधा और है। इसका मतलब है वली होता ही वो है जो नबी के लिए लड़े। अच्छा अब रुकना, अगर मेरी तरह लंबे लंबे सफर नहीं करते और अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ने पढ़ाने के मामलात नहीं है, यहां पे एक वली नजर आ रहा है और यहां पे मामला था नबी की इज्जत का, मामला था नबी की इज्जत का, हल किया वली ने। सूरह नमल मेरे सामने आई, 27 नंबर सूरह है और ये इसकी 40 नंबर आयत है। हुआ पता क्या था, सुलेमान पैगंबर तशरीफ फरमा थे, आप अपनी उम्मत से मुखातिब हैं, आप फरमाते हैं कोई है मलकाए बिलकीस दे आउन तो पहले मिन्नू तख्त चाहिए, कोई है जीते रहे, कोई है तख्त लाने वाला। लो जी मैं 40 नंबर आयत पढ़ने लगा था लेकिन पहले मैं 39 नंबर आयत पढ़ूंगा। काला इफरी तुम मिनल जिन्नी, एक जिन खड़ा हुआ, अना आती का भी कबला अंतकूम अमी मकामी का, इस जिन ने कहा कि मसला ही नहीं आप अपनी जगह से उठ के बैठें, आपके बैठना बाद में होगा, मैं तख्त पहले लाऊंगा। जब इस जिन ने कहा ना मैं आपके बैठने तक तख्त लाऊंगा, लो भी खाने वाल वालों नबी ने कहा नहीं आई नीड अर्जेंट, मुझे फौरन चाहिए, मुझे आनन फानन चाहिए। अब कोई जिन नहीं खड़ा हुआ, अब एक अहलुल्ला खड़ा हुआ, अब एक वलीउल्ला खड़ा हुआ, अब एक अल्लाह वाला खड़ा हुआ, अब एक रब का दरवेश खड़ा हुआ, अब एक रब का वली खड़ा हुआ। इसने नबी के कदमों पे हाथ रख के कहा काल लजी इंदहु इल्म मिनल किताबी अना आती कभी कबला अय्यर्तदा इलैका तरफूत, इसने कहा सोना नबी आप अपनी आंखें बंद करके खोले, आपकी बंद आंखें बाद में खुलेगी, मैं तख्त पहले लाऊंगा। हुन मैनू जवाब दियो तख्त आया सी, बंदे चुप बैठे ने, नहीं आया, नहीं मैं कोई फारसी पूछना पिया या अंग्रेजी पूछना पिया पंजाबी पूछना पिया, जवाब दियो तख्त आए, अजे भी पिछले बंदे चुप ने, तख्त आए, नहीं मैं ऐसे नहीं पढ़ा करता जब तक आप मेरे साथ नहीं मिलोगे, तख्त आए, शाबाश, कौन ले आया, जिन जी नबी फरिश्ता कौन, जिंदे रहो वली वली वली। अब मैं जुमला अर्ज करने लगा हूं, तड़प जाओ किस जुमले पे, ये तख्त लाने वाला वली था। ओ यार अगर वली इतनी ताकत रख दे, ए वली सी ते जेड़ा अली है, बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है। मलंग बड़ा प्यारा नारा लगाता है, खड़ा होकर उधर मुंह के नारा लगा, उधर मुंह करके याद, अरे जिस जिसने मोहब्बत अपनी से मन कुंतु का दामन थाम लिया, रहमत की घटाएं झूम पड़ी जब मौला अली का नाम लिया, बगैर हुब्बे अली मुद्दुआ नहीं मिलता, इबादतों का भी हर गिरशिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से, खुदा की कसम जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता। नारा हैदरी। यार आप शायद आप जी बिस्मिल्लाह शायद तुसी अपने हिसाब नाल ठीक नारा पे लांदे हो, पर तुहाडा नारा अजे मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं। जरा बगैर माइक तो फिर मौला अली का नारा लाओ, बगैर माइक तो लाओ। अच्छा अगर मौला अली दे मलंग बैठे हो जे तुसी कहो तो इस आयत नूं जरा दोबारा ना पढ़िए,
अल्लाह फरमाते काल लवी इंदहु इल्मु मिनल किताब। अब देखिया जी हजरत तकिया जी, अल्लाह इस वली के पास ऐसी कौन सी ताकत थी जो तख्त लेके आ गया। अल्लाह फरमाते काल लवी इंदहु इल्मु मिनल किताबी, इसके पास किताब में से कुछ इलम था, इसके पास किताब में से कुछ इलम था। ओ खाने वाल वालों, जिदे कोल किताब विचों कुछ इलम होवे जे ओ इनी ताकत रखदा है, ते जेड़ा बाबे इलम होवे, बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है, जिसके दिल में अली की मोहब्बत है, सुभान अल्लाह कहो मेरे सामने। नहीं अभी भी बंदे चुप है, जो अली का नौकर है कहो या अली, अभी भी आवाज कम है कहो या अली, मौला जो या अली कहे उसे मदीना दिखा कहो या अली, हाथ उठा के कहो या अली, एक दफा फिर कहो या अली। आप इजाजत दो, मैं मौला अली की शान में एक आयत और पढ़ना चाहता हूं। नहीं यार, मुझे पिछले बंदे नहीं बोल रहे, ये पकड़िएगा यार, पिछले बंदे नहीं बोल रहे, ये सीधा कीजिएगा जी। नहीं पिछले बंदे चुप बैठे हूं, जिसके दिल में अली की मोहब्बत है कहो या अली। लो जी मैं एक आयत और पढ़ता हूं, बस खिताब नहीं लंबा, आज खिताब नहीं मैंने करना। देखें मैं फिर अर्ज करता हूं, मुझे ये जो दोस्त उठ के गए हैं ना, ये मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। नहीं मुझे तादाद नहीं चाहिए, मेरे सामने बंदे चार भी बैठे होते मैंने खिताब फिर भी करना था, लेकिन इनका जाना तकलीफ दे इसलिए हुआ है, कुरान से शगफ ही नहीं इनका, कुरान से मोहब्बत ही नहीं इन्हें, कुरान से प्यार ही नहीं है इन्हें। गलती भी ना करना आइंदा मेरे सामने जाने की, अगर मुझे बुलाया गलती भी ना करना, अपने पांव जमा के बैठे रहना। आओ अली की शान में फिर कुरान पढ़ते हैं, जेड़ा नौकर अली दा फिर कबो सुभान अल्लाह। अब बस ऐसे बोलो ताकि मुझे समझ आए मैंने कुरान पढ़ना है। अली दे लाला दा जेड़ा नौकर है सुभान अल्लाह कहो। हम है गदा रसूल के, आले रसूल के, नहीं ठंडा बोलते हैं, छोड़े आगे चलते हैं, छोड़े आगे। ये दो चार बंदे सुभान अल्लाह, बाकी चुप बैठे हैं। हम है गदा, अरे हम है गदा रसूल के, आले रसूल के, मौला अली के, हजरत ज़हरा बतूल के, जेड़े सैयदा दे नौकरों का वो सुभान अल्लाह, हम है गदा रसूल के, आले रसूल के, मौला अली के, हजरत ज़हरा बतूल के, हाँ मिल जाए मिल चार जर्रे तो आँखों में डाल लूं, मेरे हुसैन आपके कदमों के धूल के, मिंबर बना रसूल का, मिंबर बना रसूल का, अरशे परी मकर शबीर सी नशिस्त है कांदे रसूल के। जिसे समझ आ रही है वो तो सुभान अल्लाह कह लो, जिसके दिल में अली है सुभान अल्लाह कहो मेरे सामने। अरे मिंबर बना रसूल का, अरशे परी मकर शबीर सी नशिस्त है कांदे रसूल के, कहो या अली, कहो या अली, फिर कहो या अली, कहो या अली। मैं कुरान की आयत पढ़ूंगा जे कहोगे या अली, या अली, अगर मैं देखो मुनाफिक का सीना चीरो कहो या अली, या अली, मत कहो अली, मत कहो या अली, 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 अली। आप इजाजत दे मैं आगे कुरान पढ़ लूं, भाई आगे कुरान पढ़ूं जी। लो भाई सुनिएगा, सुनिएगा सूरह बनी इसराइल मेरे सामने आ रही है, सूरह इसरा। अब जो आयत पढ़ने लगा हूं ना, ये आयत हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ी। अबू बकर दे नौकर बैठे ने जीते रहे, ये आयत हजरत जी, ये आयत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ी। बिस्मिल्लाह शाह जी, बिस्मिल्लाह दूर,
जी ये आयत अबू बकर ने पढ़ी, अब सुनिएगा आयत क्या है। हजरत अबू बकर ने तिलावत किया, यौम नदउ कुल्ला उनासिन बे इमामहिम। अबू बकर ने तिलावत की के माशर वाले दिन हर एक को इमाम की आवाज से बुलाया जाएगा। सिद्दीक ने आयत को पढ़ा, कुरान उठाया, मस्जिद नबवी में नबी के पास जाके अर्ज की, या रसूल अल्लाह जरा समझाइए तो सही, माशर वाला इमाम कौन है? हाय हाय या रसूल अल्लाह जरा समझाइए तो सही, माशर वाला इमाम कौन है? हजूर जरा बताइए तो सही, माशर वाला इमाम कौन है? हजूर बताइए तो सही, माशर वाला इमाम कौन है? अल्लामा इब्ने हजर फरमाते हैं, अबू बकर ने 70 दफा पूछा, नबी चुप रहे, सिद्दीक भी चुप हो गए। अचानक मस्जिद नबवी के दरमियान वाले दरवाजे में से मौला अली को आते हुए देखा, हाय इधर अली को आते हुए देखा, नबी चेहरा उठा के फरमाते हैं, सिद्दीक अब पूछ क्या पूछता है? हाय जब कहा ना अब पूछ क्या पूछता है, हजूर वो माशर वाला इमाम कौन है? नबी ने हाथ उठाया, आते हुए अली की तरफ इशारा किया, अबू बकर देख भी ले और पहचान भी ले, वो माशर वाला इमाम मेरा अली है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मतलब है जेड़े मगर रह गए ने दीवाने ही रह गए ने, पीछे अली दे नौकर ही रह गए ने, दा मतलब है जेड़े मुरीद ने अली दे कहो सुभान अल्लाह, मैं मुरीद हां अली दा, ओए मेरा पेशवा अली है, मेरे पीर दा सवाली दुनिया दहर वली है, मैं मुरीद हां अली दा, ओए भावे तू मन या ना मन, मौला अली नू मौला और मौला जिदे मुहम्मद, ओए मौला टाइम काफी हो गया, दो चार बंदे सुभान अल्लाह बाकी चुप बैठे, सारे जाग रहे ने जनाब, मैं अगे दसे जेडे रह गए ने दीवाने ही रह गए ने। अच्छा जी लो जी आजो जी, लो जी जीते रहें, खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। लो जी आखिरी आयत आज के खिताब की, सूरह आले इमरान की तरफ चलते हैं भाई। अच्छा इसका मतलब ध्यान नाल सुनते रहेंगे हो तुसी भी, मैं तो पहले अर्ज कर रहा हूँ कि मैं अपने इलाके में होता हूँ, बंदे वध जाते हैं जो खिताब शुरू होता है, मैं हैरान ही हो गया बंदे ही किर गए ने। अच्छा वध गए ने, और जड़े वध गए ने दीवाने ही वधे ने, मौला के नौकर बदे हुए हैं। अच्छा लो जी सुनिएगा, सूरह है आले इमरान की तरफ चलते हैं भाई, 3 नंबर सूरह है। मुझे मेरे कान में दोस्त ये भी कह रहे थे, खत्म नबूवत पे आपने एक दो आयतें पढ़नी है, मुझे बार बार कहा गया है लेकिन मैं कोशिश, अच्छा चलो पहले खत्म नबूवत ही पढ़ लेने, ठहरो ठीक है ना, देखो जी समझ आ गई ना जी, ठीक ना जी, एक मिनट एक खत्म नबूवत आयत ता पढ़ांगे, मुड़ो इन वाल मुंह करके नारा लगाओ तो मैं समझ आए बंदे जागते बैठे ने, मुड़ो लाओ नारा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
जाग पे ने जी बंदे, जीते रहे। लो जी ठीक है, ठीक हो गया, आ जाओ। पहले खत्मे नबूवत पे सुनो भाई, मिलाद भी है ना, मिलाद भी है, उर्स भी है, मिलाद भी है। आओ जी खत्मे नबूवत पे सुनो, सूरह बकरा भाई, दो नंबर सूरह है, 60 नंबर आयत है। हुआ पता क्या था, 12 कबीलों के 12 बंदे हजरत मूसा के पास गए। हुआ क्या, वइज़ तस्का मूसा लिकौमी ही, अल्लाह फरमाता है 12 कबीलों के 12 बंदे हजरत मूसा से पानी मांगने गए, बंदे नबी से मांगने गए, बंदे नबी से मांगने गए। तुसी चुप बैठे हो, बंदे नबी को मंगन गए ने। पिछले बंदे अजे भी चुप ने, उन्होंने समझ नहीं पी आती, बंदे नबी को मंगन गए। अब ये खाने वाल वाले हो, बंदियां नु पानी चाहिए, ए आयत मेरे सामने जे बुआ नबी दा खड़काया है। हुन ए वीडियो रिकॉर्डिंग है, हजरत जी कोई आयत वखाओ के अल्लाह ने मना कीता होवे के नबी को नहीं मंगना, नहीं ऐसी कोई आयत नहीं आई, बल्कि अल्लाह ने फरमाया फकुल नद्रिब बिअसाकल हजर, मेरा नबी अपना डंडा पत्थर पे मार। इधर नबी ने डंडा मारा, फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आईना, नबी दा डंडा वजन दी देर है, डंडे दे सदके पानी आया, नहीं आया। नहीं बंदे चुप बैठे ने, नहीं आया, अजे भी बंदे चुप ने, नहीं आया। पानी डंडे बिचो नहीं, जिंदे रहो पत्थर बिचो। अच्छा रहो यार, ए ते नबी डंडा मारे पानी निकल आया, नबी गोदे च होवे ते मारे अड्डी फिर पानी आंदे, अजे भी चुप ने, नहीं आया आंदे। अच्छा एक मिनट रुकना, अड्डी मारी पानी पत्थर में से, डंडा मारा पानी पत्थर में से, ओए खाने वाल वालों पत्थर में से पानी निकल ही आता है। कमाल तो यह है, मकामे हुदैबिया पे तेरा और मेरा नबी बैठे, सहाबा ने आके अर्ज की या रसूलल्लाह प्यास लगी है, डंडा नहीं मारा, एड़ी नहीं मारी, ज़हरा के बाबा ने हाथ दराज किया, हुसैन के नाना की पांचों उंगलियों में से पानी डाली हुआ यार। हुण मैं जुमला देन लगा, सुन्नी चुप नहीं रह सकते, डंडा मार के पत्थर में से जो पानी निकाले उसे नबी कहते हैं, एड़ी मार के पत्थर में से जो पानी निकाले उसे भी नबी कहते हैं, ते जिदिया पंजा उंगलियां विचों पानी निकले ओनू खातल नबी जी कहंदे ने। बंदे अच्छा भाई, मुझे यहां से ना एक आसा दीजिएगा, डंडा होगा माफल में किसी बाबे के पास, होगा जरूर होगा, देखें। अब देखे जरा ध्यान करे जी, ऐरा फड़िया जी, हजरत मूसा के पास डंडा होता था, डंडा मूसा हाथ में डंडा, हाँ जी आसा, हजरत मूसा का आसा। अच्छा आसा हाथ में होता था, हुन मेरा वेख्या जी हाथ डंडा है, ते मूसा सफर पे कर देने, सफर कर दे कर दे, अचानक नींद आ गई, मौला नींद आ गई है ते धूप बहुत ज्यादा है, अल्लाह फरमाए मूसा नबी अपना डंडा गडो, हुन ही दरख्त बनेगा। फिर मुड़ बनिया, चुप बैठो, नहीं बनिया, बनिया मुड़ नबी नींद कीती, नींद करके जब नबी बेदार हुए, मौला नींद ते पूरी हो गई है, भूख बड़ी लगी है, अल्लाह फरमाए मूसा फल पक गए ने, खाने वाली गल करो। फिर फल खाधे ने, चुप बैठो, नहीं खाधे, खाधे ने, मौला भूख मैं पेट भर गया, ते मौला ते मैं वापस जाना, ते मेरा डंडा, अल्लाह फरमाए मूसा दरखत नू हाथ पाओ, मोर डंडे दा डंडा ही है। अच्छा वो फिर डंडा बन गया, फिर डंडा। अच्छा ठहरो यार एक मिनट ठहरो, मैं कोई तुहानू कोई डंडे की कहानी नहीं पे सुनांदा, मैं कुरान पढ़ता जे पिया, ठहरे हो जे, मैं सूरह तुहा खोल रहा हूँ, ठहरो। हजरत मूसा फिरौन के दरबार में गए, जादूगरों ने घुमा के रस्सियां फेंकी, अल्लाह सूरह तुहा में फरमाता है वमातिल का बी जमीनी का या मूसा, मूसा तेरे हाथ में क्या है, काला ही या आसा या, ए मौला मेरा डंडा है, अल्लाह फरमाए तुसी डंडा छड्डो, इजदहा असी बना छड्डांगे। फिर इजदहा बने, फिर बाद विच उन्हें की कीता है, सारे सप खा गया, तो मौला हुन अल्लाह फरमाए डोंट फियर मूसा, मूसा डरना नहीं, इनू इजदहा नू हाथ पाओ, फिर डंडे दा डंडा ही है, और फिर डंडा बन गया, चुप बैठे नहीं बनया, बन गए हुन ठहरे जी। हुन मैं सूरह आराफ पढ़ता जी पिया, 7 नंबर सूरत है, फिरौन ने हमला किया मूसा अलैहि सलाम ते, अब मूसा आगे मानने वाले साथ, पीछे फिरौन, अगे पानी पीछे फिरौन, मौला अब क्या करो, अल्लाह फरमाए डंडा फेंकिए। भाई बोलो तो सही ना, अल्लाह फरमाए नबी अपना डंडा फेंके, हुन मेरा वेख्या जे, ए इंज नबी डंडा सुटे है, हाथ रखो जी इन्हू जरा, ए वेख्या जे, हुन ध्यान जरा करे जे,
ए फड़िया जे इधरों नबी डंडा सुटे है पानी पता किंज हो गया इंज छत बनी है पानी दी इंज छत बनी है ए मैं नबी दा डंडा समझांदा जे पिया नहीं तुसी अजे भी समझ नहीं है यार मौलवी दी अकल इस ते नबी दा डंडा नहीं आउणा नबी किवें आ जाएगा हुण जरा ध्यान करिया जे ध्यान करिया जे इधर वेख्या जे इथो नबी मारे डंडा ए इंज फड़िया जे नबी डंडा मारे इथो पानी उठे है ते ए लैंडर पे है गौर करे जेड़ी गल में समझानी हो पढ़ो सुनो तफसीर इब्ने कसीर पढ़ो जलालुद्दीन सियूती को पढ़ो दुर्रुल मंसूर को पढ़ो इमाम बेदावी को पढ़ो खाजन को पढ़ो तुस्तरी को पढ़ो पढ़ना उन तुसे कोई नहीं हजरत जी पढ़ना पढ़ना इन्हें कोई नहीं जो पढ़ गए वो चले गए अब तो शायरी है जितनी मर्जी सुना ले सुनन लिख लो तेरे यहां से अब नहीं पढ़ने वाले लोग चले गए फरीद थे वो चले गए निजाम थे वो चले गए साबिर थे वो चले गए अब तो वो सूफिया नहीं रहे ना वो सूफिया ना मानने वाले। अच्छा छोड़ो यार नबी डंडा मारे है पानी आई थे एंज लेंटर पे है हुण मेरा देखिया जे नबी पानी विच मनन वाले पानी विच पानी खामोश जेड़ी मैं गल समझाना चाहना पानी दा शोर हुंदा है पानी चप क्यों नबी विच हुण जरा ध्यान करिया जे बस मैं छड्डन लगा तकरीर ध्यान करिया जे हजरत मूसा पानी दे विच मनन वाले भी पानी दे विच पिछे फिरौन पहुंचिया उन्ने वेख्या कमाल है पानी इंज ते बंदे थले होंदी हुण मेरे ने वेख्या जे ध्यान करिया जे ख्याल कीता पानी बड़ा कमाल है फिरौन ने आख्या लंगो आ जाओ तुसी भी आओ फिरौन दे फौजियां वेख्या जदों ओ विच ने ते सानू भी कख नहीं होण लगा फिरौन भी पानी दे विच मनन वाले भी पानी दे विच हुण फिरौन भी विच मनन वाले विच अजाब नहीं आया क्योंकि नबी विच गलती है तुहानू समझानी है पानी थले नहीं आया हजरत अपने पसंद का मौलवी उठाया जे पानी थले नहीं आया अजाब नहीं आया क्योंकि नबी विच इधर नबी बार होया नबी दे बार होन दी देर पीछे अजाब आ गया है फिरौन गरक हो गया है हुण तुहानू समझ ते आ गई होएगी जब तक नबी विच रवे अजाब नहीं आउंदा नहीं तुसी अजे भी नहीं समझे मैं की पियाना जब तक नबी विच रवे अजाब नहीं आउंदा ए मेरा हाथ कुरान ते जे कदी आया ते तकरीर करांगा अज मैं तकरीर नहीं करनी हजरत नूह अलैहि सलाम ने अजाब मंगिया है अजाब नहीं आया जब तक नबी वेचे हजरत मूसा ने अजाब मंगिया है अजाब नहीं आया जब तक नबी वेचे अल्लाह फरमांदा नबी निकल ताकि अजाब आए नूह निकल अजाब आए मूसा निकल अजाब आए हजरत ईसा निकल अजाब आए एदा मतलब अजाब का फलसफा ये है नबी जाए तो अजाब आए नबी जाए तो अजाब आए झूठ हम बोल रहे हैं लवाकत यहाँ पे है शराब यहाँ पे है हम जिंसियत यहाँ पे है हक यहाँ पे खाए जा रहे हैं तो फिर अजाब क्यों नहीं आ रहा क्योंकि नबी वेचे बोलो जिसे समझ आ रही है अजाब इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जहरा का बाबा साडे वेचे जिदा ईमान है नबी वेचे गज के कबो सुभान अल्लाह यार चलो यारा बड़े अच्छे अंदाज के साथ आपने सुन लिया हाँ जी ठीक हो गया जी चलें जी हजरत ये बेशक आप कुरान हकीम पकड़ लें आपने तकरीबन 20-22-25 मिनट कुरान सुन लिया है भाई तकरीबन इतना सुन लिया तकरीबन आधा घंटा खिताब हो गया घबराओ ना मैं तकरीर नहीं छड़न लगा ते मैनू जानदे नू लियाउणा नहीं पैना मैं जो गया फिर आना नहीं
जो मैं उठ के तुर पिया तो फिर मैं आना नहीं हूँ, बस मैं आखिरी जुम ये नहीं मुझे चाहिए जी, ये तो मेरे लिए नुकसान है, बस मैं आखिरी जुमले अर्ज करने लगा हूँ। दरबार सजिया सी ते फकीर बैठे सन, बाबा जी बैठे ने ते कुरान पढ़ते सन पे, बाबा हुंदा ही हो जेड़ा कुरान पढ़े। ये पलंबर नू मोर ब्रेका लग गया, साडे बाबे कुरान पढ़ते सन, बोलो ते सही ना। इन रब को बहु प्यारे, रब राजी है इना ते, एवं नी पैर चुम दे असी अल्लाह वालिया। ये बंदे सारे सुभान अल्लाह कहीं देने पे, खालिक दी कुल खुदाई, कुल खुदाई है इना दी बादशाही, जो चाहे है वो कर दे, दीन दे सिपाही वो बैठे हैं जमीन ते परती ताला मकाते, एवं नी पैर चुम दे असी अल्लाह वाले आ। ओ चुमना जे सिरक हुंदा, जिब्रील क्यों चुमे दा, जिब्रील भूल गया जे खालिक चा खुद रुके दा, खुद रुके दा, खुद रुके। चुमना जे कर गुना है वंज फतवे ला उना ते, एवं नी पैर चुम दे असी अल्लाह वाले आ। ओ चुमना जे सिरक हुंदा, जिब्रील क्यों चुमे दा, जिब्रील भूल गया जे खालिक चा खुद रुके दा, खुद रुके। चुमना जे कर गुना है वंज फतवे ला उना ते, एवं नी पैर चुम दे असी अल्लाह। जिदा कोई फकीर है वो तो सुभान अल्लाह कहो ना। चुमन दी रीत साकू जिब्रील ने सिखाई, जिब्रील पैर चुमे मदनी को जात, चुमना जे कर गुना है वंज फतवेला उना ते, ए ओ कुछ नबी को बशरे आखन, बशरे आखन, बशरे आखन, बशरे आखन, बशरे आखन। जे मेरा फेर तुआडा वाह पिया ते कुरान पढ़ के दसांगा नबी केंज दा बशर। आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, नहीं जी नहीं, मेरी बात सुने। अगर मैं रबीउल अव्वल में आया, अगर शाह जी हुजूर ने हुक्म किया तो बाकायदा कुल इन्नमा अना बशरों मिसलुकुम पे खिताब करूंगा, ते तुहानू दस के जावांगा मौलवी तू की बशर है ते ओ की बशर ने। आज नहीं, आज नहीं, फिर कभी जी नहीं बेटा नहीं। ये पूरा टॉपिक है, मेरी बात सुनो, ये पूरा टॉपिक है, इसमें बाकायदा आके कुरान पढ़ूंगा। कुछ नबी को बशरे आखन, ते कुछ चाऊ को नहीं मनेंगे, पंजा दे हैं कुछ मुल्कल, चुम्मन तो कई रुके दे, कई रुके दे, कई रुके दे, ए वे सड़ दे, ए वे सड़ दे, मुस्तफा।